हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अतिथि देवो भवा। इंडिया में गेस्ट को नेक्स्ट टू गॉड समझा जाता है, उनका बहुत वेलकम करा जाता है, उनको बहुत ऑनर करा जाता है। पर मेरा आज का वीडियो है अतिथि तुम कब जाओगे। ये दोनों वीडियोस बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं, अतिथि देवो भवा, अतिथि तुम कब जाओगे। तो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि अतिथि तुम कब जाओगे। कई बार होता है हमारे कुछ गेस्ट जो होते हैं इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो इरिटेटिंग? क्योंकि उनकी आने जाने की फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपका एडवांटेज लेने लगते हैं, आपके हम्बलनेस का, आपकी पोलाइटनेस का, आपकी खातिरदारी का, आप जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो उसका। तो आपको बस यही होता है कि तुम कब जाओगे। वो पॉइंट ऑफ इस लेवल पे आपको ले आते हैं कि आप उनसे उब जाते हो। आपको ये होता है कि आप आ तो गए हो पर आप कब जाओगे। वो ऐसे गेस्ट होते हैं जो आपके यहाँ रहने आते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ एक गेस्ट आता था, नाम नहीं लूँगी मैं उन गेस्ट का, पर एक गेस्ट आते थे जो हमारे एक क्लोज रिलेटिव थे। तो वो जब उनका यहाँ पर कुछ कंपनी थी, जो भी था जिसके रिलेटेड वो यहाँ पर आते थे, मीटिंग्स होती थी, जो भी था, फर्स्ट टाइम आए, बहुत खुश हुए हम लोग, बहुत उनका वेलकम करा बहुत अच्छे से। उसके 15-20 दिन बाद वो फिर आए, फिर उनका वैसे ही वेलकम हुआ, सब कुछ हुआ अच्छा सा, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये वो सब कुछ उनके लिए बहुत अच्छा सा रूम सेटअप करना मम्मी करती थी, पूरा उनके लिए अच्छे से पूरा सब कुछ सेटिंग वगैरह उनके लिए। तो फिर उसके बाद उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हफ्ते में एक बार आने की, और वो आते भी ऐसे टाइम पे थे, रात में 9 बजे, जब सारे काम से फ्री हो जाते थे तो आते थे रात में 9 बजे, बेल बजती थी, क्योंकि हम लोग का डिनर टाइम होता था 9:30, उनको ही पता था इनका डिनर टाइम 9:30 होता है। तो रात में 9 बजे जब बेल बजती थी तो अपने आप हम लोग अलर्ट हो जाते थे कि वो ही हैं। तो वो आते थे, नेचुरली डिनर में इतना तो खाना बना ही होता है कि एक एक्स्ट्रा भी खा ले, 2-3 डिशेस और ऐड हो जाती थी, क्योंकि तब तक खातिरदारी का सिलसिला चल रहा था, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जो हमारे यहाँ कस्टम है कि गेस्ट की खातिरदारी करनी है, उनको अगर 2 डिशेस हैं तो उसमें तीसरी, चौथी, पाँचवीं और भी ऐड करनी है। वो सब कुछ चल रहा था। पर उनका कई बार वीक में 2 बार, अभी जैसे आज गए हैं तो उसके ऑल्टरनेट डे पे वो फिर आ जाते थे, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इरिटेटिंग हो गया था। इन गेस्ट के लिए मैं कहती हूँ कि एक बार आपके मुंह से निकलता अतिथि तुम कब जाओगे, जल्दी जाओ, क्यों आते हो बार बार, जबकि उनको उनके ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए उनको उनकी कंपनी की तरफ से पेमेंट मिलता था, दैट ही कुड हैव इजिली हायर्ड अ होटल। पर कई लोगों का हैबिट होती है कि वो अपना जो TA होता है उसको सेव करके दूसरों के घर में उनके ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं। जब पहले तो उनका अच्छे से वेलकम होता था, जब वो मंथ में 1 या 2 बार आते थे, पर जब उन्होंने 15 दिन में एक बार आना शुरू करा फिर भी ठीक था, पर उन्होंने जब अभी आज गए हैं और उसके एक दिन छोड़ के फिर आ गए हैं, तो वो इरिटेटिंग था, वो बर्डनसम था वो, क्योंकि अपनी भी कोई प्राइवेसी होती है, अपनी कोई लाइफ होती है अपनी फैमिली के साथ, तो वो एक तरह से वो पिंच होने लगे थे वो गेस्ट। तो वो था कि अतिथि तुम कब जाओगे। एक मूवी भी थी अतिथि तुम कब जाओगे, मुझे उसके बेस पे मैंने सोचा कि मैं भी एक ये कि मतलब सभी के मूवी के अलावा भी सभी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो आप ये सब चीज़ें इसको आपको लगता है कि हाँ अगर हम मूवी देख रहे हैं, पर हमारी रियल लाइफ में भी तो ये हुआ है। तो मेरी रियल लाइफ में तो हुआ है कि अतिथि तुम कब जाओ वाली स्टेज आ चुकी है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताना कि आपके यहाँ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहना पड़ा अतिथि तुम कब जाओगे, या सोचना पड़ा। कह तो हम सकते नहीं है किसी के फेस पे कि अतिथि तुम कब जाओगे, पर हम सोच तो सकते हैं ना कि कब जाना है तुम्हें, क्यों आते हो बार बार, क्यों इतना इरिटेट करते हो बार बार, है ना। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर भी करना ताकि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और बता सकें कि कब उनको ऐसा मौका मिला कि जब उनको कहना पड़ा कि अतिथि तुम कब जाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।